फ्रेंड्स, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं आलू का हलवा बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे व्रत में भी खाया जा सकता है और ऐसे भी आप खा सकते हैं इसे बनाकर। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ मैंने दो आलू बड़े साइज के ले लिए थे बॉयल करके, और उसे मैश भी कर लिया है। लगभग एक कटोरी आप देख सकते हैं। और साथ में मावा है, ये मावा मलाई से निकला हुआ, जो घी हम निकालते हैं ना जिस मलाई से, उसका मावा है ये। तो हम इसमें यूज करेंगे अपने आलू के हलवे में। इससे हलवा हमारा काफ़ी अच्छा बनता है। तो गैस ऑन कर लेते हैं और उस पर कढ़ाई एक रख लेंगे। कढ़ाई नॉनस्टिक का हो तो और अच्छा रहेगा हलवा बनाने में, क्योंकि इसमें आलू हमारा चिपकेगा नहीं और कम घी या ऑयल में बन सकता है। तो इसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच घी। पूरा घी नहीं डालेंगे, जब ज़रूरत होगा तभी हम इसमें घी डालेंगे। तो घी को गर्म होने देते हैं। और इसमें मैश किया हुआ आलू हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। बराबर चलाते हुए इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। नॉनस्टिक का कढ़ाई होगा तो इसमें बनाना आसान होता है, बाकी और किसी कढ़ाई में तो ये चिपकता है, उसमें घी भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, पर नॉनस्टिक कढ़ाई में ये थोड़े से घी में ही बन जाता है। और देखिए, ये लगभग भून चुका है हमारा आलू। थोड़ा सा और इन्हें भूनेंगे। आलू को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, वरना अगर अच्छा से नहीं भुना होता है तो आलू का हलवा खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको बढ़िया से भूनना चाहिए हमें। लो फ्लेम पे ही भूनेंगे और बराबर चलाते हुए। तो इसमें मैंने मावा डाल लिया है, जो मावा मैंने एक कटोरी लिया था, मैं इसे दिखा नहीं पाई हूँ मावा डालते हुए। तो मैं इसमें मावा डाल चुकी हूँ और उसके साथ इसमें बढ़िया सा मिक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह से आलू और मावा मिल जाए, इसी तरह से बराबर स्पैचुला से चलाते हुए इसे मिक्स करना है। और अब डाल देते हैं नारियल का भूरा है, ये नारियल पाउडर, डेसिकेटेड नारियल है, तो इसे भी डाल देंगे हम। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है आलू के हलवे में। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। थोड़ा चीनी भी डालेंगे इसमें अपने स्वाद के अनुसार, जितना मीठा हमें पसंद होगा हम चीनी उतना ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कटोरी चीनी डाला है। और इसे भी चलाते हुए बराबर चला लेंगे। और अब डाल देते हैं इलायची पाउडर। साथ ही दूध भी डाल देंगे ताकि चीनी हमारा घुल जाए आसानी से। पानी भी डाला जा सकता है, पर पानी के अलावा आप दूध डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका स्वाद खाने में। और इसे चलाते हुए बराबर मैश करेंगे स्पैचुला से ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरा। और ये हमारा लगभग मिक्स हो गया है बढ़िया। थोड़ा सा फुल फ्लेम करके इसे जल्दी से हम दूध को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और देखिए पूरी तरह से दूध एब्जॉर्ब हो चुका है और ये कढ़ाई छोड़ने भी लगा है। तो हमारा हलवा बन के तैयार है। दो तीन मिनट इसे खूब बढ़िया से चलाते हुए भूनिए और जब इकट्ठा होने लगे, कढ़ाई छोड़ने लगे तो हमारा बन जाता है हलवा। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए मेरा बन के आलू का हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। इसे थोड़ा सा बादाम पिस्ता से गार्निश करके सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ ही ये व्रत में भी खाया जा सकता है और वैसे जब कभी मन करे तब भी बनाकर खाइए। बनाना बहुत ही आसान है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।